नमस्कार दोस्तों, करियर टेस्ट एकेडमी के एमपी करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 1 से 15 जुलाई 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो कार्यवाहक राज्यपाल बनाई गई हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल बनाई गई हैं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने 1 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रदेश के कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है? हमारा घर हमारा विद्यालय योजना सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रदेश के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। विद्यार्थी अब अपने घर पे ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे और ये 6 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए उनका घर ही विद्यालय होगा। यानी ये जो योजना है वो 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, पंच परमेश्वर योजना के 14वें वित्त की राशि में कितने प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत के सैनिटाइजेशन मजदूरों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए व्यय की अनुमति दी गई है? ये पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत 14वें वित्त की योजना की जो राशि है पंच परमेश्वर योजना में दी गई है और ये 2.5 यानी 2.5% राशि व्यय कर सकते हैं जो कोरोना में। 10 जून 2020 को 14वें वित्त आयोग की 1,555 करोड़ रुपए की राशि ग्राम पंचायतों को जारी की गई है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 1 से 15 जुलाई 2020 तक चलाया गया। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 15 दिनों में लगभग 2.5 से 3 लाख टेस्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 के अंतर्गत विक्रय प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए वैध होगा? ये मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 के अंतर्गत विक्रय प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा और ये इसमें प्रदेश में पथ व्यवसायियों के कल्याण और उनको आजीविका चलाने के लिए उचित अवसर देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 प्रारंभ की गई है। पथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण हर 3 वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा। पथ व्यवसायियों को पोर्टल के माध्यम से पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र मिलेगा। विक्रय प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा। इसका अगले 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। एमपी टूरिज्म की फूड होम डिलीवरी सर्विस का संचालन मध्य प्रदेश के कौन से शहरों में हो रहा है? एमपी टूरिज्म की फूड होम डिलीवरी सर्विस का संचालन मध्य प्रदेश के भोपाल जबलपुर ग्वालियर शहरों में हो रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ग्वालियर व संस्कारधानी जबलपुर में भी फूड होम डिलीवरी सर्विस का को प्रारंभ किया गया है। शासन द्वारा 7 मार्च 2020 को कितनी नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना को रद्द किया गया है? ये 7 मार्च 2020 को कांग्रेस शासनकाल में कुछ नगर परिषदों को गठन की निरस्त किया गया था, उसको पुनः ये 22 ऐसी नगर परिषद है। राज्य शासन द्वारा 7 मार्च 2020 को 22 नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना को रद्द किया गया है। 2 जुलाई 2020 की अधिसूचना के अनुसार इन 22 नगर परिषदों का गठन यथावत रहेगा। और ये जो नगर परिषद हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। बैतूल में घोड़ा डोंगरी, साहेबपुर, मंदसौर में भैंसौदा, मंडी भैंसौदा, ए सीपरी में रनौद, भिंड में रौन, मालनपुर, रीवा में ढभोरा, शहडोल में बकोहो के नाम शामिल हैं। इस तरह जिला अनपुर में डोला, डूमर कछार, उमरिया में मानपुर, सागर में बिलहरा, सुर्खी, मालथौन, बांदरी, शिवनी में केवलारी, छपारा ये सिवनी में आते हैं, खरगोन में विष्टान, बड़वानी में ठीकरी और जिला धार में बाघ एवं गंदवानी नगर परिषद का गठन किया गया है। इन्हें पहले निरस्त कर दिया गया था कांग्रेस शासनकाल में। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो आपको एमपी जेल प्रहरी की परीक्षा है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी बहुत कम पदों पर हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या है कि आपका मन बना रहेगा, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी तो करना ही है कंपटीशन की जो लोग कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, इस परीक्षा के बहाने आप एक अच्छी तैयारी करें, हो सकता है आपका सिलेक्शन इसी में हो जाए। तो हम सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी और दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से भी।
हम जल्द ही अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल लाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन से नियुक्त किए गए हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं आपके रामेश्वर शर्मा। ये रामेश्वर शर्मा, इसमें क्या हुआ कि जो जगदीश देवड़ा थे उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया है, इस वजह से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन की कौन सी नई टैगलाइन के साथ पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश पर्यटन की कौन सी नई टैगलाइन के इंतजार आपका तो रहता ही है दोस्तों, इंतजार आपका। तो ये जो मध्य प्रदेश पर्यटन की नई टैगलाइन है, इंतजार आपका। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? ये मध्य प्रदेश शासन की बात हो रही है, ये 781 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत हो रहे हैं। भारतमाला जो योजना के अंतर्गत मात्र 50% भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 421 करोड़ की 100% भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, समझिए बात। और इसी चंबल एक्सप्रेसवे को नया नाम भी दिया गया है, प्रोग्रेस चंबल प्रोग्रेसवे। इसके अलावा प्रदेश सरकार आर्थिक सहयोग के रूप में मिट्टी और मुरम की रॉयल्टी के रूप में 330 करोड़ रुपए प्रदान करेगा और वन भूमि की अनुमतियों पर होने वाले व्यय के रूप में 30 करोड़ का व्यय भी स्वयं वहन करेगा। दोस्तों, जो भी वन भूमि होती है उसका अलग जो है वो शासन को वहन करना पड़ता है। इस प्रकार राज्य शासन 781 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक्सप्रेस वे प्रदेश के 309 किलोमीटर लंबा होगा, यानी लगभग 308, और यह शिवपुर मुरैना भिंड से होते हुए राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। यह मार्ग भिंड में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आगरा कानपुर मार्ग, मुरैना में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं राजस्थान में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। अब चंबल एक्सप्रेस वे नहीं, चंबल प्रोग्रेस वे होगा, तो ये चंबल प्रोग्रेस वे नाम से कह रहे हैं। साबिर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितने रुपए है? साबिर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 2,358.75 करोड़ रुपए है। साबिर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना से इंदौर जिले के 182 ग्रामों को 65,000 हेक्टेयर, खरगोन जिले के 80 ग्रामों की 13,000 हेक्टेयर और उज्जैन जिले के 10 ग्रामों की 2,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश को नर्मदा जल कितना आवंटित है? मध्य प्रदेश को नर्मदा जो जल आवंटित है वो 18.25 MAF आवंटित है। मध्य प्रदेश को आवंटित 18.25 MAF नर्मदा जल के उपयोग के लिए नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लगभग 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में इंदिरा सागर परियोजना नहर, ओंकारेश्वर परियोजना नहर, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, बरगी व प्रवर्तन परियोजना तथा लोअर गोई परियोजना मुख्य है। इसके अलावा नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना, उज्जैन देवस उज्जैनी पाइपलाइन तथा अपर वेदा आरबीसी के कार्य पूर्णता की ओर हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता को 2024-25 तक कितने हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यह जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित जो सिंचाई क्षमता है उसका लक्ष्य निर्धारित किया है 50,74,000 हेक्टेयर, यानी 50,74,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो, जल संसाधन विभाग द्वारा इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता को आगामी वर्षों में वो भी 2024-25 तक बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 33,77,000 हेक्टेयर है, वर्तमान में जो है वो 33,077 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है, मतलब अभी वर्तमान में सिंचाई हो रही है ऐसा। 2020 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निम्न में से कौन सी तारीख में नहीं किया जाएगा या किया गया है? तो ये 12 अगस्त को नहीं किया जाएगा, जबकि 11 जुलाई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में संपत्ति कर के अधिभार पर मिलेगी 100% की छूट। COVID-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? COVID-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर इंदौर बना है, मिनी बॉम्बे इंदौर बना है। अभी हाल ही में मंत्री श्री मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री लग गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस चावल को GI टैग दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री से आग्रह किया? तो ये बासमती चावल लगभग मध्य प्रदेश में 13 जिलों में होता है और तो लगभग इसमें 80,000 जो है वो किसान इससे जुड़े हुए हैं, यानी पैदावार करते हैं।
मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में मनरेगा लेबर बजट 20.50 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर कितने मानव दिवस किया गया है? तो ये 20.5 मतलब 50 करोड़ से बढ़ाकर ये किया गया है 34 करोड़, लगभग 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है, मानव दिवस किया गया है, यानी एक दिन की मजदूरी होती है एक दिन का मानव दिवस। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों के लिए अब तक कितने सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं? मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 14,250 जो है सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। अगले 3 वर्षों में 2,00,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा रखा गया है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के कितने शासकीय भवनों में 50 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप लगाना प्रस्तावित हैं? तो मध्य प्रदेश के 2020-21 में ये शासकीय भवनों में 50 मेगावाट क्षमता के 700 सोलर रूफ टॉप लगाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश अब तक 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों में उत्पादित बिजली की दरें 1.38 रुपये प्रति यूनिट प्राप्त हुई हैं। अगले वर्ष मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1,30,000 ये हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष छोटी बड़ी कुल 100 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी 58,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 28,000 करोड़ राशि के काम किए जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा वर्तमान मानसून के दौरान मध्य प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? वन विभाग की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, तो 3,61,00,000 का अकेला लक्ष्य वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा गया है। ये मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना एवं ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? मुख्यमंत्री ने 8 जुलाई 2020 को किया है स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना एवं ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ। सरकार अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की तरह ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनके कार्य एवं व्यवसाय के लिए 10,000 की कार्यशील पूंजी बैंकों से बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी इस स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कितने से कितने वर्ष तक के पथ विक्रेता योजना का लाभ ले सकते हैं? आप समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 55 वर्ष के विक्रेता जो है वो योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में जाति शैक्षणिक योग्यता आदि का कोई बंधन नहीं रखा गया है। और केस शिल्पी इसमें हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल एवं मोटरसाइकिल मैकेनिक, बढ़ई, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलर, कर्मकार मंडल से संबंधित कामगार इस योजना का लाभ ले सकते हैं और 10,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रति तोषण आयोग के अध्यक्ष कौन है? यदि बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रति तोषण के जो अध्यक्ष है वो शांतानु एस केमकर हैं। इसे बोला जाता है एमपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन। और न्यायमूर्ति श्री शांतानु एस केमकर 23 अक्टूबर 2018 से लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत मध्य प्रदेश में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? भारत सरकार के युवा कार्यालय एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना योजना मतलब प्रारंभ की गई है। 4 वर्षीय इस योजना में पूरे प्रदेश में 1,000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जाना है। ये पूरे प्रदेश की बात नहीं हो रही है, अपने प्रदेश की बात हो रही है, तो देश की बात नहीं हो रही है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इसका संचालन पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के माध्यम से किया जाएगा। तो खेलो इंडिया लघु केंद्र ये प्रारंभ किए जा रहे हैं। चयनित खेलो इंडिया केंद्र को भारत सरकार द्वारा कितने लाख रुपए केंद्र प्रति खेल के मान से खेल मैदान के रख रखाव आदि के लिए उपलब्ध राशि कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी 5,00,000 रुपए। ये 5,00,000 रुपए ये प्रति खेल मैदान के हिसाब से रख रखाव के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। चयनित खेलो इंडिया केंद्रों को भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित खेलो इंडिया केंद्र को भारत सरकार द्वारा 1,05,00,000 रुपए प्रति केंद्र प्रति खेल के मान से खेल मैदान के रखरखाव, उन्नयन, खेल उपकरण, खेल किट के आदि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। रिकरण वार्षिक अनुदान राशि इसमें
₹5,00,000 की प्रति खेल के मान से पूर्व चैंपियन खिलाड़ी प्रशिक्षक को मानदेय सहायक स्टाफ खेल उपकरण खेल किट और गैर उपभोग सामग्री प्रतियोगिता में टीम को सहभागिता कराने की आदि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि अलग है और चैंपियन खिलाड़ी प्रशिक्षक को अधिकतम ₹3,00,000 वार्षिक मानदेय प्राप्त करने की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो SPS परिहार, इनका पूरा नाम है सूर्य प्रताप सिंह परिहार, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये 10 जुलाई 2020 को समर्पित किया। लगभग 4,000 करोड़ की लागत वाली 750 मेगावाट की इस परियोजना में पूर्ण क्षमता से सौर ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था, वो भी शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और यह परियोजना को विश्व बैंक ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है। गुढ़ रीवा में स्थापित बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1,590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है, यानी 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। रीवा सौर परियोजना में स्थित सौर पार्क के अंतर्गत 250 मेगावाट की 3 सौर इकाइयां स्थापित हैं, प्रत्येक इकाई 500 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी एक एक पॉइंट, आपके सौर पार्क को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL द्वारा विकसित किया गया है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76% अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 15,00,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। प्रथम वर्ष रुपए इसकी 2.97 प्रति यूनिट दर से यह यहां से बिजली मिलेगी। छतरपुर जिले में कितनी मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है? छतरपुर जिले में ये 1,500 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है। वहीं आगर जिले में 550 मेगावाट का और साजापुर में 450 मेगावाट का, नीमच में 500 मेगावाट का, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग क्षमता में 600 मेगावाट का, वहीं मुरैना में 1400 मेगावाट का। उपरोक्त सभी परियोजना का जो निर्माण वर्ष है वो 2020 में प्रारंभ होने वाला है और 2022 में ये होंगे। दोस्तों ये आंकड़ा आप ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रदीप जायसवाल बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदीप जायसवाल विधायक बारा सिवनी जिला बालाघाट को, पहले खनिज मंत्री भी थे और इन्होंने पाला बदल लिया और इन्हें जिला बालाघाट को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है वो दोस्तों निर्दलीय विधायक थे और जायसवाल को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी बनाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी को ये बड़ा मलहरा से विधायक चुन के आते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस में, BJP में शामिल हो गए और उन्होंने गिफ्ट के रूप में इन्हें जो है वो मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। रोको और टोको और यह अभियान चलाया जा रहा है मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के लिए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों से चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितने रुपए प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेगी? जो मास्क नहीं पहनेगा और ये जो भी चयनित स्वयंसेवी संस्था है वो मास्क बना रही है उसे 20 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से ये राशि वसूल करेगी सार्वजनिक स्थानों पर और वो मास्क भी प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति कब मिली है? ये जो कैबिनेट की स्वीकृति मिली है वो 13 जुलाई 2020 को मिली है। आदिवासियों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें से अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों को 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही अन्य वर्गों को साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। अभी हाल ही में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग का मंत्री कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग के जो मंत्री बनाए गए हैं वो तुलसीराम सिलावट बनाए गए हैं, और ये अतिरिक्त प्रभार है इन्हें, ये जल संसाधन मंत्री हैं। वैसे जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, और ऊर्जा मंत्री हैं आपके प्रद्युम्न सिंह तोमर। लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं ये गोपाल भार्गव। वाणिज्य कर एवं वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। तो ये जो मंत्री हैं, हम धीरे धीरे मंत्रियों को देखेंगे, मतलब कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता का बांस के पौधे उपलब्ध किए जा रहे हैं? तो ये 50% के हिसाब से किए जा रहे हैं। प्रति पौधा 240 रुपये की लागत वाला पौधा किसानों को 120 रुपये में मिलेगा, और राशि अनुदान का वितरण 3 वर्षों तक किया जाएगा। पहले साल में 60 रुपये प्रति पौधा, दूसरे में 36 रुपये, और तीसरे साल में किसानों को 24 रुपये प्रति पौधा अनुदान मिलेगा। पहले वर्ष में रोपित सभी पौधों पर अनुदान दिया जाएगा, दूसरे साल 80% पौधों की जीवितता पर, और तीसरे साल 100% पौधों की जीवितता पर मृत पौधा बदलाव सहित अनुदान दिया जाएगा। तो ये जो योजना है ये इसमें अनुदान प्राप्त होता है, और प्रति पौधा 240 रुपये लागत वाला पौधा किसानों को 120 रुपये में मिल जाएगा। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी बात। मुख्यमंत्री ने किस जिले के हाट पिपलिया में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो देवास जिले के हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि देवास में है हाट पिपलिया, और इनका जन्म यहीं पर हुआ था। और मुख्यमंत्री ने 16 जुलाई 2020 को देवास जिले के हाट पिपलिया में स्वर्गीय पुराने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवास जिले की बागली तहसील को जिला बनाए जाने की भी घोषणा कर दी है। अब ये घोषणा तो की है, अब जब जिला बन जाए, जब हो जाए पूरा। मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी रेत खदानें हैं जिनमें 125 रुपये प्रति घन मीटर से आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है? मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी खदानें हैं? ये है 1432, यानी 1432 है संख्या ऐसी रेत खदानों की जिसमें 125 रुपये प्रति घन मीटर से आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की सूची में 7 से बढ़ाकर कितने प्रकार की कर दी गई है? ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की सूची 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की सूची में 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। इसमें एसेट अटक पीड़ितों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम में प्रावधानानुसार बेंचमार्क दिव्यांगता 40% रखा गया है। बेंचमार्क दिव्यांगता होता है वो 40% रखा गया है। इस पर पोर्टल के अनुसार प्रदेश में एसेट अटक पीड़ितों की संख्या कितनी है? तो इस पर पोर्टल की बात करें, दिव्यांगों से संबंधित इस पर पोर्टल है, इस पर सर्वे होता है, और ये 17 हैं अभी वर्तमान में एसिड अटैक पीड़ितों की संख्या। और मध्य प्रदेश में एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन के साथ साथ अब उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ऐसी शासन ने घोषणा की है। बात करेंगे हम ये पिछले वीडियो की, जो 21 से 30 जून तक का वीडियो था, उसमें मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भोपाल में स्थित है आपका मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मामूलिया लोक चित्रकला मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? संपूर्ण मध्य प्रदेश, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नेवाड़ में से एक आंसर सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो MP जे प्रहरी का एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उसकी स्टडी के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर लाएंगे दोस्तों, और आपको वेबसाइट और ऐप के माध्यम से एवं वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा दोस्तों। और मैंने आपको बताई है पहले कि इसमें ये जो पद हैं वो तो बहुत कम हैं, लेकिन इसके बहाने आप तैयारी जारी रख सकते हैं दोस्तों, और आने वाले समय में जगह निकलेंगी। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, आप जेल पर रह की तैयारी अच्छे से करें, और जो भी करना चाहता है हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।